यूपी से बड़ी खबर है, जहां लखनऊ के वजीरगंज से बड़ा मामला आपको जा रखे है। अदालत परिसर के बाहर ब्लास्ट का मामला सामने आया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, वजीरगंज का ये पूरा मामला, अदालत में एक बम फटा, तीन जिंदा बम जो है बरामद किए गए हैं। तो वजीरगंज अदालत में वकील पर हमला किया गया, ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। अदालत परिसर से जुड़ा ये सीधे तौर पर मामला। तो धमाके के दौरान कई वकील घायल हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी मच गई वो आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में वकील जो कि अदालत परिसर में थे वो जुटे हैं और भारी संख्या में फिलहाल पुलिस बल भी मौजूद है। तो लखनऊ की वजीरगंज अदालत का ये पूरा मामला, बम ब्लास्ट हुआ है और कई वकील जो है इसमें घायल बताए गए हैं, साथ ही तीन जिंदा बम जो है वो मौके से बरामद किए गए हैं। तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक वकील पर हमला किया गया था, लेकिन किसकी ओर से ये बम ब्लास्ट किया गया है, इसके पीछे कौन है, क्या मकसद है वकील पर हमला किए जाने की, हालांकि शुरुआती तौर पर बातें जरूर निकलकर सामने आई, लेकिन पूरा क्या कुछ ये मामला हो सकता है, कई सवाल जो है बम ब्लास्ट के बाद उठते हैं, जो कि वाकई अपने आप में जांच का विषय है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त की आप देख सकते हैं, लखनऊ की वजीरगंज अदालत की तस्वीरें आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर काफी संख्या में वकील मौजूद हैं और काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल है। फिलहाल मौके पर पुलिस के जवान तैनात हैं। बम ब्लास्ट हुआ है, कई वकील घायल हैं, इसके अलावा तीन जिंदा बम जो है वो भी मौके से बरामद किए गए हैं। तो देखिए, अभी जो गुस्सा है, रोष है, अकेले की नाराजगी है, वकीलों में नाराजगी को जाकर भी किया जा रहा है, नाराजगी जाहिर करते हुए, नारेबाजी करते हुए सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इन वकीलों को, सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जिस वकील पर हमला हुआ है और जो घायल हुए हैं उनको सुन लेते हैं। लगातार कल से महामंत्री जीतू यादव लखनऊबार, सुधीर यादव, अन्नू यादव और उनके भाई राजन यादव, अजय यादव का फोन आ रहा था, मुझे धमकियां दी जा रही थी। और आज 11:30 बजे मैं अपने चेम्बर के बाहर खड़ा था तो कम से कम 10 अज्ञात लड़के, जिसमें 3-4 लोग एजाज और ऐसे लड़के थे जो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यहाँ विधि व्यवसाय नहीं करते हैं, वो आए हैं, उन्होंने बम से हमला किया, एक बम फटा है, दो बम अभी पड़े हुए हैं यहाँ परिसर में, और उसके बाद मेरे ऊपर असलाहा तान दिया और तो मेरे जो है जूनियर ने पकड़ लिया, उसके बाद ये लोग कुछ इधर भाग के गए हैं, कुछ उधर भाग के चले गए हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मेरे साथ में होती है तो उसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुझे सुरक्षा चाहिए, वकील एकता।